तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला जो पहला वाला पार्ट था आपको पसंद आया होगा, मुंशियारी होटल से लेके यहाँ तक ब्रिती फॉल तक। तो अब ब्रिती फॉल से हम निकल रहे हैं आज की डेस्टिनेशन करण प्रयाग के लिए। ओके भैया, मैंने कहा यार ये पार्ट अलग कर देता हूँ क्योंकि ना फिर लंबी हो जाएगी, फिर ना क्या है कि बहुत सारी चीज़ें मेरे को स्किप करनी पड़ेंगी, मज़ा नहीं आएगा उसमें। सो अभी जो है निकल रहे हैं हम ब्रिती फॉल से अपनी मंजिल के लिए, करण प्रयाग के लिए, ठीक है। और इससे पहले वाला पार्ट जिसमें मैंने वाटरफॉल दिखाया था कैसा लगा बताना कमेंट सेक्शन में, और अगर नहीं देखा है तो भाई प्लीज़ देख लेना, मज़ा आएगा, बहुत ज़बरदस्त नज़ारे दिखाए मैंने। मतलब पीछे जब होटल से निकले थे हम तो ऑफ रोड मिला था काफ़ी ज़बरदस्त, काफ़ी अच्छे सीनिक व्यू था, और अभी जो है ब्रिती फॉल दिखाया लास्ट, और अब यहाँ से करण प्रयाग। तो इस पार्ट में करण प्रयाग तक का जर्नी मिलेगी आपको, बने रहो। बाकी नज़ारा एक नंबर है, मौसम भी बहुत अच्छा है, खुला हुआ, कोई घटा वटा कुछ नहीं, एकदम साफ जो है मौसम है, बहुत ज़बरदस्त। जहाँ साहब बहुत आगे जा चुके हैं उनसे हमें, मैंने उनको बोल दिया तुम आगे निकलो यार, फिर वो ना स्लो चलता है ना, इस चक्कर में मैंने कहा तुम तेज चलोगे, आगे चलो फटाफट से। बाकी मैं और प्रेम भाई रुक गए थे यहाँ पे, तो अब चल रहे हैं हम भी, मज़ा आ रहा है जो बात है भाई। बाय 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 बाय। अरे अपनी ऑल्टो। भाई साहब ब्रिती फॉल जब मैं पास में पहुंचा उसके ट्रैक करके, इतनी तेज हवा चल रही थी वहां पे और इतनी ठंडी हवा, क्या बताऊं भाई, मज़ा आ गया था जो बात है। मेरी नीचे से पूरी लोअर जो मतलब पैंट है, मतलब घुटनों से नीचे नीचे हल्की हल्की गीली गीली जो हो गई थी, बट अभी क्या राइड, अब बाइक स्टार्ट हो गई, अपनी चल रही है बाइक पे, सूख जाएगी फटाफट से, मौसम बहुत अच्छा है ही। गोप्रो भी चार्ज कर लिया था भाई मैंने, कहा यार इतना टाइम दे रहे हैं यहाँ पे, कम से कम हमने 1.5-2 घंटे यहाँ पे दिए, अब कोई बात नहीं, अब जो दे दिए सो दे दिए, हम फुल ऑफ रोड चल रहा है यहाँ पे, जूम। ओ बेटे क्या उछली, क्या उछली, मतलब देखो ये रोड तो चल ही रहे हैं बढ़िया वाले, एकदम से ना बीच बीच में जैसे ये देखो ये वाला पैच आ गया, देखो खराब सा, तो ये पैच आ गया खराब, फिर ठीक हो जाएगा, फिर पैच खराब हो जाएगा, फिर ठीक हो जाएगा, तो ऐसा कुछ चल रहा है, तो मजा सा बना हुआ है एकदम, मतलब इंटरेस्ट बना हुआ है रोड पर बाइक चलाने का ना, ऐसा नहीं कि आप बोर हो रहे हो, नहीं बोर नहीं हो गया आप, एडवेंचर पूरा मिलेगा आपको। ये अभी एक स्विफ्ट वाला डिजायर वाला था, मतलब टैक्सी वाला, वो फुल मजे ले ले चला रहा था, उसको देख के मैं मजे लेके चलाने लगा, जहाँ पे रोड खराब है वहाँ पे उसकी ब्रेक हल्की हो गई, अब मैंने करी सेटिंग डर निकाल दी, मतलब ये था कि मैं कैमरा बंद था वरना भाई साहब मज़ा आता देखने में आपको, बट कोई बात नहीं, आया आगे कोई सीन आएगा तो दिखाऊंगा। बाकी नीचे खाई है, नदी बह रही है बहुत ज़बरदस्त वाली, एकदम फ्लो बहुत तेज है उसका, हो सकता है भाई जहाँ से हम आ रहे हैं वो ब्रिती वाटरफॉल वो वाली, वहाँ से पानी इसमें जा रहा हूँ नदी में, कुछ नहीं कह सकते, बट जो भी है मस्त लग रहा है, कोई गांव आया छोटा सा। ये मेरे हाथ तो माशाल्लाह से इतनी अच्छी बैठी हुई है ना अपनी बाइक वाली, बहुत ज़बरदस्त, वह तो मेरी कोई सी बाइक लिया हो यार, कोई सी भी किसी की भी लिया हो मेरे हाथ पे बैठ जाती है, इतना तो ये एक्सपीरियंस बोलता है भाई माशाल्लाह से। बाकी ये है कि शॉकर ऊंचे कराने का वाकई में यार अच्छा रिजल्ट है जो बात है, अगर आप लॉन्ग राइड करते हो तो शॉकर ऊंचे कराना मस्त है, खासकर स्प्लेंडर से करते हो तो, अब बाकी नहीं तो कोई और बाइक है तो फिर तो अपने हिसाब से यार, बाकी स्प्लेंडर का तो ये है कि अगर शॉकर ऊंचे कराते हो तो भाई मज़ा पूरा देगी। ये बात दे रहे हो कैसे टापती भी जा रही है, छोड़ने का नहीं उधेड़ते रहने का। ये बात दोस्तों देख रहे हो सामने कितना अच्छा नज़ारा है, मैं तो मैं राहुल का और पुन्ना भाई का वेट कर रहा हूँ, वो पीछे रहे काफ़ी, और मैं मज़े में रोड अच्छे थे, इतने अच्छे रोड बने हुए यार, मैं मज़े में आगे चल रहा हूँ, जैसे मैं अपने ग्रुप के चलता था ना सेम वैसे चल रहा था, इस वजह से वो काफ़ी पीछे रह गए, तो वेट कर रहा हूँ उनका, देखो कितनी देर में आते हैं, साइड में लगा लेते हैं और बस। स्टीव है, स्टीव 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 खींच के बहुत ऊंचाई पे भाई, बहुत ऊंचाई पे,
देखो ये रोड ऐसे करते करते वो रोड दिख रहे हो, और भाई साहब काफ़ी ऊपर जाके रोड वहाँ से यूँ निकल के उस पहाड़ी पे जा रहा है, और वहाँ पे मुझे गाड़ी जाती हुई दिख रही है। पता नहीं आपको दिख रही है कि नहीं दिख रही, बट मुझे तो यहाँ से साफ साफ दिख रही है। रोड भी पता नहीं आपको दिख रही है कि नहीं दिख रहे, बट मुझे तो बहुत से नज़ारा दिख रहा है भाई साहब, क्या बात है, एक नंबर। वहाँ चल रही गाड़ी, शाबाश भाई साहब, ऑफ रोडिंग किंग है अपनी बाइक तो। आराम से चल रहे हैं जी, आराम से भाई साहब बोल रहे, कह रहे हैं आराम से चला रहे भाई, आराम से। उन्हें क्या बताओगे ना, फुल मस्ती लेके चल रहा हूँ, आते जी कसम, उछलती जा रही गाड़ी, उछलती भी। तो भाई वहाँ से मैंने आपको नज़ारा दिखाया था अभी थोड़ी देर पहले, और अब जो है नीचे आ चुका हूँ मैं। अब यहाँ से वो ज़िगज़ैग खेलते हुए ऊपर जाना है, बताया था ना आपको मैंने। ओए होए, ऊपर से क्या लग रहा था नज़ारा, अब नॉर्मल लगेगा क्योंकि अब नॉर्मल चढ़ते चले जाएंगे, लेकिन वहाँ से एक नंबर लग रहा था। क्या बात है, तो दोस्तों अभी अभी एक कांड हो गया अपने साथ, मतलब कि लॉस हुआ है एक पजामे का। मैंने दरअसल पिथौरागढ़ से एक पजामा लिया था, बहुत ही ज़बरदस्त पजामा था भाई, वो बहुत ही ज़बरदस्त, मतलब विंटर के लिए बहुत अच्छा पजामा था, फुल गर्म, ठीक है। तो वो मेरा रक्षक बैग में मैंने सबसे ऊपर रखा हुआ था और उसको टाई कर दिया था, ठीक है। अभी पता नहीं कैसे यार मैं इतनी तेज़ चला के लेके आ रहा था, अब वो हिल हिल के रोप जो है ना इधर साइड में हो गई, और उसका बैग का जो है मुँह खुल गया होगा भाई साहब, पजामा गिर गया। अच्छा राहुल साहब मेरे से 5 किलोमीटर या 3 किलोमीटर की दूरी पर होंगे, मतलब पीछे, सोचो मैं क्यों, मैं बहुत स्पीड में चला रहा था, नहीं क्यों मेरा ना अंदर का राइडर जाग गया था, ठीक है। तो मैं तेज चल रहा था, राहुल पीछे था, तो राहुल ने देखा कि कुछ गिरा हुआ है कपड़ा वपड़ा, लेकिन इस बावले ने उठाया नहीं, ये कह रहा है मुझे पता नहीं है तेरा गिरा होगा। मैंने कहा भाई यार उठा लेता। अब 4-5 किलोमीटर, अब 4-5 किलोमीटर का मतलब समझते हो ना कितना होता है यार भाई पहाड़ों में। मैंने कहा चल छोड़ यार, बस मेरे को टेंशन इस चीज़ की है कि पजामा गिरा है, तो वो तो चलो कोई बात नहीं, उसके अलावा बैग में से कुछ और ना गिर गया, क्योंकि सारा सामान जो होता है भाई इंपॉर्टेंट होता है जो हम लेके आते हैं पहाड़ों में, ठीक है ना। तो मुझे बस ये टेंशन है कि उसके अलावा कुछ और ना गिरा हो, बस वो गिर गया चलो कोई बात नहीं यार, 700 रुपये का था, लॉस हो गया कोई दिक्कत नहीं है, बट वो है कि उसके अलावा कुछ और ना गिरा हो। अभी क्या है कि मैंने आपको उस वाली पहाड़ी से सामने दिख रही है वाली, इस पहाड़ी से दिखाया था आपको नज़ारा कि हम इस पहाड़ी पे जाने वाले हैं ज़िगज़ैग खेलते हुए, तो अब उस पहाड़ी पे है, लेकिन उस पहाड़ी पे कहाँ पे है कहाँ नहीं है ये मुझे नहीं पता। तो इसलिए मैंने कहा चल छोड़ यार, रहने दे मैं क्या पीछे जाऊँ, इसलिए मैंने कहा छोड़ो आगे बढ़ते हैं। तो बस वही छोटा मोटा लॉस हो गया है, कोई बात नहीं, बस ये कि सामान कुछ और ना गिराओ यार। पता क्या होता है चीज़ों से, थोड़ा सा ना मूड अपसेट सा हो जाता है। नहीं ये क्यों रुक गए भाई, ला 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 ला। क्या हुआ, टूल कौन सा टूल चाहिए, टायर निकालने वाला टूल, नहीं इतनी बड़ी चाबी तो नहीं होगी, 10 नंबर 12 नंबर तक की चाबी तो होगी। कोई ट्रक वाला हो या कार वाला हो, कितना नंबर बोल्ट है देखना, कितना नंबर है, 22 नहीं होगा ना इतना बड़ा, नहीं हाँ वो समझ गया, लेकिन वो है नहीं वो वाला बड़ा वाला पाना। आप तो इधर जाओगे है ना, यह हमारा पजामा गिरी है, इतना बढ़िया पजामा, अगर मिले तो उठा लेना भाई, ग्रे कलर का है। नहीं नहीं मतलब जब इधर तो जाओगे, अगर जाओ तुम्हें रास्ते में मिल जाए उठा लेना, नया पजामा है, पिथौरागढ़ से लिया था यार गिरिया। बताओ यार टूल है नहीं, मैं इतना बड़ा कि टायर बाहर निकाल दें, स्कूटी में ये तो मसला है कि पंचर हो गई तो उसका टायर निकाल के फिर लेके जाना पड़ेगा, स्पेयर में नहीं होता, सेम वही बाइक में होता है, क्या तो खुद लगाओ या फिर खड़े रहो या फिर घसीटो, दोनों में से तीनों में से एक काम करना होगा। फिलहाल जो है भाई क्या बताऊँ, चलो कोई बात नहीं, थोड़ी देर में मूड ठीक हो जाएगा। भाई साहब
बागेश्वर धाम से पहले ये नज़ारा देखो आप, कितना प्यारा लग रहा है ना। नीचे छोटे छोटे से घर, काफ़ी अच्छी छोटी सी है, मतलब बोलूँगा घाट में जो है ना, इन्होंने एक वैली बना रखी है, बहुत ज़्यादा बढ़िया। देख सकते हैं काफ़ी सुंदर लग रही देखने में, और रोड भी अच्छे हैं, और नज़ारा देखो दूर दूर तक एकदम खाली खाली दिखाई दे रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त मज़ा आ गया देख के यार। चलो 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 चलो, रोड इतने मस्त हो रहे हैं ना दोस्तों, इतने मस्त हो रहे हैं कि मैं तुम्हें क्या बताऊँ, मतलब मन ना ब्रेक मारने का नहीं कर रहा, बस एक्सीलेटर खींच कर मन कर रहा, चलते रहो बस, मोड़ पे हॉर्न देते रहो और चलते रहो, खैचम खाच खैचम खाच। तुम्हें बोलना पसंद है मुझे बोलते हुए तुम, ना 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 ना। चलो 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 चलो, वो इंजन ब्रेकिंग करते हैं मोड़ पे, और आराम से निकाल लो, क्योंकि नॉर्मल ब्रेक मारोगे तो दिक्कत हो सकती है, इंजन ब्रेकिंग करोगे तो सेफ रहोगे, लेकिन इंजन ब्रेकिंग करने की भी टेक्निक होती है दोस्तों, ऐसे नहीं कर लेते इंजन ब्रेकिंग, ऐसा ना बर्फ गिरी हुई यहाँ पे वाइट वाइट ना दूर से कोई देखेगा तो उसको यही लगेगा बर्फ गिरी हुई यहाँ पे, बट यहाँ पे चूना पट्टी हो रखी है। राहुल भाई है क्या? देखो ऐसा ना बर्फ गिरी हुई है, मैं बर्फ है नहीं, पेंट कर रहा है। बस बढ़िया, हाँ उनका YouTube भी है ना, वो भी ऐसी स्प्लेंडर में आते हैं। हाँ चलो कोई नहीं, और सब बढ़िया? नहीं हम गए थे धारचूला। अच्छा, धारचूला ओम मुंशा की। हाँ ठीक है ओके। तो भाई ये सब्सक्राइबर भाई थे अपने, सब्सक्राइबर भाई थे मिले आए, कह रहे भैया मैं आपको बहुत देर से फॉलो कर रहा था, इस चक्कर में मैंने चल रुक जाता हूँ। ये है कपकोट जिसको हमने अभी पीछे छोड़ा है, और अभी हम बढ़ रहे हैं बागेश्वर के लिए। चलो चलो चलो, 80 कर दो 80 बस। तो दोस्तों 480 रुपये का आ गया पेट्रोल डलवा लिया, 480 रुपये का, मतलब कि दिल्ली से चला 660, फिर उसके बाद 510 रुपये का मेरे ख्याल से, फिर उसके बाद मैंने डलवाया तेल जी भाई कुछ 420 रुपये का, हाँ 420, और अब 480। ठीक है कोई दिक्कत नहीं ज़्यादा, फिर भी इतना पेट्रोल लगा नहीं। अब ये है कि टैंक फुल हो गया ना, अब ये टैंक फुल में मैं घर पहुँच जाऊँगा आराम से, तकरीबन किलोमीटर की बात करूँ तो 400 किलोमीटर होगा दिल्ली यहाँ से कम 400 तो होनी चाहिए, 400 450। तो एक टैंक में अगर 85 देगी तो 10 लीटर के हिसाब से 500 किलोमीटर हो गए, तो 500 के अंदर अंदर हमारी दिल्ली है ही, तो आराम से मैं जो है टेंशन फ्री घर पहुंचूंगा बिना पेट्रोल डलवाए। ठीक है जी, बाकी बागेश्वर हमने क्रॉस कर ही दिया है। तो दोस्तों अभी हम रुके हैं कुलसारी में, और यहाँ से थोड़ा ही दूर रह गया करण प्रयाग, और अभी तक की आपने जर्नी देख ली, अगर अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करना, चैनल पर नहीं हो सब्सक्राइब करना। फिलहाल रुके हैं भाई चाउमीन खाने के लिए, चाउमीन का ऑर्डर वहाँ दिया है, बन रही है चाउमीन, दिखाए तो आपको किस तरीके की चाउमीन अंकल बना के दे रहे हैं, कह रहे हैं दिल्ली वाली चाउमीन है, बिल्कुल देखते हैं। ओए शक्ल तो बड़ी खतरनाक सी लग रही है देखने में, टेम्पटिंग सी है। लाओ अंकल ये मेरी हो गई, वीडियो निकालो ना, खाली वैसे ही निकालो, नहीं नहीं वीडियो प्रॉपर है, लो भाई। तो दोस्तों हमने कर लिया एक तरह से अपना लंच, फास्ट फूड वाला चाउमीन खाई, पहले खाई वेज चाउमीन फिर खाई एग चाउमीन, मज़ा आ गया। और अब यहाँ से निकल रहे हैं हम सीधा दिल्ली के लिए। दरअसल सीन ऐसा है कि निकलना कल सुबह भी है, और राहुल भाई जो हैं उनको थोड़ी जल्दी हो रही है, तो इस वजह से हम लोग ना अभी निकलेंगे। है वरना यही बात है भाई, राहुल भाई भी जल्दी हो रही है, बच्चों की याद आ रही है भाई, और भी जाने का मूड है हम, वही तो चक्कर है।
और बाकी राहुल भाई को बच्चों की याद आ रही है, हैं? तब ये है दोस्तों, भाभी से मिलना है। हाँ तो उनको मिलवाते हैं भाभी से, कल सुबह मिलवा देंगे उनको, 9-10 सुबह 6-7 बजे तक मिलवा देंगे दिल्ली है। बाकी चलते हैं यहाँ से, यहाँ से किलोमीटर चेक किए थे, हेलो यहाँ से किलोमीटर हमने चेक किए थे, किलोमीटर है यहाँ से 465 या 450-60। तो अब जो है चाबी ऑन करो, अब ये है कि ये वाला पार्ट तो अच्छा जी, जय हो। तो यहाँ से सीधा दिल्ली लगाएंगे गाड़ी। अब क्या है कि पूरी अभी हो रहे हैं टाइम, कुछ 4 बजे का टाइम हो रहा है, ठीक है जी, 4 बजे का टाइम हो रहा है, और यहाँ से हम डायरेक्ट जा रहे हैं दिल्ली। तो फिलहाल ये वाला पार्ट जो है यहीं पे एंड करता हूँ। अगर अच्छी लगी वीडियो तो लाइक कर देना, और बुरी लगी तो डिसलाइक कर देना, और चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लेना। बाकी यहाँ से अब जो नेक्स्ट पार्ट मिलेगा आपको, वो यहाँ से दिल्ली तक का होगा, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर।